आज एक बार फिर प्रतापगंज प्रखंड अंतर्गत गोविंदपुर वार्ड नंबर 4 में मौजूद हैं और आज मेरे साथ वही सुधीर जी हैं जिनके पत्नी के द्वारा जो है इनका प्राइवेट पार्ट को जो है कटवा दिया गया है। आप लोग सुने भी होंगे और ये वीडियो मेरे भी चैनल पे काफ़ी लोग देखा है और बहुत सारे लोग का कमेंट था कि आखिर सुधीर जी से मिलिए और सुधीर जी का इसमें क्या कहना है कि ये घटना कैसे इनके साथ हुआ। आज इस सारी मुद्दा पे बात हम सुधीर जी से करेंगे। पहले तो यहाँ के लोग जो है वो आरोप लगा रहे थे, आप उनके द्वारा सुने होंगे कि इनकी पत्नी जो है पहले से ही कहीं प्रेम में फंसी हुई थी और ये सारी बातों को क्लियर करने के लिए हम सुधीर जी से बात करेंगे। अच्छा, आप जो आए थे यहाँ उस दिन तो आपके साथ क्या क्या हुआ था बताइएगा, शॉर्ट में ही बताइएगा। 8 जनवरी को आए थे, 2 अढ़ाई बजे के लमसम में खाना पीना खाया और थकावट का महसूस हुआ तो हम सो गया तो रात में 8:30 बजे के लमसम में हमको मम्मी हमारा पत्नी ने हमको खाना खाने के लिए उठाया तो खाना बोला हम खाना नहीं खाएंगे, हमको भूख नहीं है। खाना तो हम पहले खा चुके थे तो हमको खाने का तो मन नहीं था और 3-4 रोज से जगरना था तो चक्कर आने लगा, थकावट का महसूस हुआ तो हम बोला हम अभी सो रहे हैं तो बोला ठीक है सो जाओ तो सो गए तो रात में 8:30 बजे के लमसम में हमको खाना खाने के लिए उठाया तो हम खाना बोला हम खाना नहीं खाएंगे तो बोला ठीक है नहीं खाना है तो नहीं खाओ तो ये कौन बोला? मम्मी और हमारा बीबी। अच्छा, मम्मी भी बोली और बीबी भी खाना खाया तो मन तो नहीं था खाना खाने का तुरंत खाया और तो बोला पत्नी हमारा बोला दूध है तो दूध थोड़ा पी लो तो बोला ठीक है दूध लो पी लेता हूँ, गरम दूध था गरम दूध पी लिया। पीने के बाद हमको थोड़ा चक्कर आने लगा तो हम तो सोचा 4-5 दिन से हमको जगरना है ना इसलिए थोड़ा चक्कर आने लगा। हम किसी को नहीं बताया फिर वो जो है ना पूरा हमको बेहोशी कर दिया। अब ये नहीं हमको पता है हमको हमारे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, कहाँ ले गया, कहाँ थे, कुछ हमको मालूम नहीं है। उसके बाद जब आँख खुला आपको होश आया तो आप क्या देखे, आप क्या अनुभव किए? उसके बाद तो हमको 3 दिन के बाद होश आया, 3 दिन के बाद होश आया दरभंगा में, तब पता चला जो हमको जो हमारा प्राइवेट पार्ट कट गया है। अच्छा, आपके साथ उस रात मारा पीटी भी हुआ था, ऐसा भी कुछ हुआ था, ये सब का कुछ पता नहीं चला? नशा में थे तो हमको क्या पता। अच्छा, चला जब दूध पी रहे थे तो दूध का कुछ स्वाद वाद अलग था? वो गरम दूध था हमको कुछ नहीं पता चला। टेस्ट उठ सेंट उंट उसका कोई कुछ नहीं पता चला। नहीं मतलब कि आप इतना जाने कि दूध पिए और दूध के बाद फिर क्या हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं पता चला। दूध पीने के बाद थोड़ा सा ये आया, हाँ मतलब नशा टाइप से, हाँ। उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि इस घटना में आपका दिल क्या कह रहा है कि इसमें किसका हाथ हो सकता है और क्या हो सकता है? इसमें हमारा पत्नी का हाथ है। हाँ। अच्छा, पत्नी आपकी मेरे चैनल पे भी इससे पहले भी वो एक्सेप्ट कर चुकी है कि हम जो है इससे पहले यानी कि आपके शादी के बाद किसी और के साथ भाग गई थी, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? सही है। जब वो भाग गई थी तो फिर आप लोग क्यों लाए उसको, क्यों एक्सेप्ट किया? ओ, समाज लोग भी उसको बोला अब ऐसा गलती नहीं करेगा, जो हुआ सो हुआ, अब भूल जाओ ऐसा गलती नहीं करेगा, तो इसलिए लाया। लाने का सजा यही भोगना पड़ा। अच्छा, मतलब आपके रहते हुए आपके नज़र में कभी उनको ये चीज़ देखे कि कभी किसी और से बातचीत कर रही है या मोबाइल पे कहीं ज़्यादा बिजी रह रही है, ऐसा कुछ अनुभव हुआ था आपको? वो हो रहा था, थोड़ा हो रहा था, तो हम तो घर पे नहीं थे, हम तो बाहर में थे, थोड़ा जानकारी हो रहा था तो मम्मी पापा को बोलता था ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं ऐसी पत्नी के लिए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं या इस तरह की पत्नी के लिए आप क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं, इसको सजा दे दो, आइंदा से ऐसा गलती कोई करेगा सब सच्चानी हो जाएगा, कोई नहीं ऐसा गलती करेगा।
अच्छा, आप जब आए हैं वहाँ से दरभंगा से, तो उसके बाद आमने सामने हुए कभी कि नहीं? नहीं हुआ, नहीं। अब सोच सकते हैं कि पति यहाँ और पत्नी वहाँ दोनों आओ, ऐसा इसलिए कि पत्नी इस तरह की घटना को वारदात दे चुकी है, इस तरह की वो काम कर चुकी है कि पति के जो है दिमाग और दिल दोनों से उतर चुका है। अब वो कभी भला उसको एक्सेप्ट किस वजह से और किस तरीका से करेगा, ये एक सोचने वाली बात है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो है बैठी हुई है, उस दिन भी इससे हम कुछ पूछे थे, लेकिन ये बात में बताने से बार बार जो है किसी और बात में उलझाने का प्रयास करती है और बताने से इनकार करती है, लेकिन आज एक नया चीज़ निकल के आ रहा है कि ये दूध पिलाई और दूध पिलाने के बाद जो है वो बेहोश हो गया, और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ किसी को पता नहीं चला, लेकिन उस दिन ये चीज़ नहीं बताई थी आपसे। हम पहले भी आए थे, बैठ लिए थे, आप बताए थे उस दिन कि हम उसको दूध पिलाए थे, बताए थे। कहाँ बोले थे कि उस दिन हम दूध पिलाए थे? पिलाए थे, लाए थे हमें, पिलाई मम्मी थी। दूध लाए आप थे, पिलाई मम्मी थी जी। कहाँ से लाए थे दूध? घर से ला के दिए तो बोले उठाने के लिए, तो उसमें क्या मिलाए थे? कुछ नहीं मिलाए थे। तो ये सारा चीज हो जाता है, ये कैसे होता है पता नहीं चला कैसे हो गया। और उनका कहना है, पूरा समाज का कहना है कि सारा कुछ में आप ही का हाथ है। नहीं किया हम कुछ नहीं। आप कुछ नहीं किए हैं? तो आखिर इस तरह का घटना कैसे हो जाता है? पता नहीं है? पता नहीं कौन किया, अभी भी पता नहीं है? नहीं। चलिए, इनसे ज़्यादा पूछना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि बार बार जो है ये एक ही चीज़ बता रही है कि हमें कुछ पता ही नहीं है, तो इनसे क्या पूछें। ये काम प्रशासन के ऊपर हम छोड़ के जा रहे हैं कि प्रशासन इस घटना को संज्ञान में लेके इसकी पूरी तहकीकात करे, और उसके बाद जो भी दोषी पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि आने वाले दिन में कोई भी पत्नी या कोई भी महिला इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले हज़ार बार सोचे कि इसका अंजाम क्या हो सकता है और इसका परिणाम क्या हो सकता है, और कभी ये घटना किसी के साथ ना हो। बाकी देख सकते हैं, जब भी इसके यहाँ आते हैं तो पूरा समाज का लोग एक टकी निगाह से यहाँ खड़ा हो जाता है आके, कि देखने के लिए कि आखिर इसके साथ जो है कब न्याय मिलेगा। बाकी आप लोग की जो राय बनती है इस घटना पे कमेंट में जाके ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।